नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहां पे ड्रॉ किया एक बढ़िया सा 2 BHK हाउस प्लान 23 फीट बाय 35 फीट प्लान एरिया में। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारी फ्रंट साइड है, ये लिविंग एरिया का मेन एंट्रेंस डोर 3.5 फीट चौड़ा जैसे अंदर आते सामने ही ये लिविंग का हॉल यूनिट। और इसकी जो साइज है, टोटल साइज हमें यहाँ पे मिलती है 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 6 इंच, इसमें से 12 फीट 2 इंच ये इस डायरेक्शन में दीवारों के अंदर रूम की लंबाई है, और 10 फीट 6 इंच जो है ये इस दिशा में। उसके बाद यहाँ पे ये 3 फीट की ओपनिंग है। यहाँ पे सीढ़ी का प्रोविजन, सीढ़ी प्लस पूजा रूम यहाँ से अप रहेगा। फ्लाइट की चौड़ाई 3 फीट ऐसे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर रहेगा। सीढ़ी की जो टोटल एरिया है 9 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 2 इंच। स्टेयर्स 9 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 2 इंच। और पूजा रूम जो उसके अंदर स्पेस है वो 2 फीट 8 इंच बाय 3 फीट 10 इंच। तो स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाएगा। और ये बाकी इस दिशा में से जाएगी सीढ़ी। यहाँ पे रसोई घर, किचन यूनिट और साथ में पीछे की तरफ में यूटिलिटी स्पेस दिया है या फिर यूटिलिटी एरिया। किचन की साइज़ है 8 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 8 फीट बाय 10 फीट 6 इंच, ये 8 फीट इस डायरेक्शन में रहेगा और 10 फीट 6 इंच ये ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे दीवारों के अंदर अंदर। यूटिलिटी स्पेस है 3 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 3 फीट ये ऐसे चौड़ा। यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा 2.5 फीट का। यहाँ पे है ये बेडरूम नंबर 1, उसके लिए 3 फीट का दरवाज़ा। बेडरूम 1 की साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। तो ये 10 फीट 6 इंच ये इस डायरेक्शन में रहेगा और 11 फीट जो है वो इस दिशा में। यहाँ पे है ये कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके लिए 2.5 फीट का दरवाज़ा। CTB कॉमन टॉयलेट बाथ ऐसे प्लान किया है कि लिविंग एरिया से नज़दीक है। तो CTB की साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट। 4 फीट ये इसकी ऐसी विड्थ है, 7 फीट ये लंबाई रहेगी। और यहाँ पे ये मास्टर बेड, मास्टर बेड के लिए हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ का प्रोविजन किया है। ये 80B मास्टर बेड का ये 3 फीट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट बाथ का ये 2.5 फीट का दरवाज़ा। मास्टर बेड की साइज़ है 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। और उसके लिए हमने पीछे की तरफ में सिट आउट प्लान किया है। तो ये 10 फीट 6 इंच जो ये इस दिशा में रहेगा और 11 फीट जो है वो इस दिशा में। यहाँ पे एक 2.5 फीट का दरवाज़ा सिट आउट में जाने के लिए, 3 फीट बाय 11 फीट इसकी साइज़ है। तो ये 3 फीट वापस यहाँ पे चौड़ाई। अटैच टॉयलेट बाथ की साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच इसकी लंबाई है, ये 4 फीट इस दिशा में। और यहाँ पे एक OTS या फिर डक्ट 4 फीट बाय 3 फीट साइज़, क्योंकि जो भी कॉमन टॉयलेट बाथ और अटैच टॉयलेट बाथ के पाइपिंग्स हैं तो इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एक सिंपल सी प्लानिंग है। ब्रिकवर्क की मोटाई 6-6 इंच है, ये बाहर वाला ब्रिकवर्क और अंदर वाला ब्रिकवर्क। इसका अगर टोटल एरिया निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया, तो वो आएगा 805 स्क्वायर फीट। और अगर इसका हम बजट निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो करीब करीब 10 लाख के पास आराम से आ सकती है। बाकी मेन एंट्रेंस डोर जो है वो 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है। बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट बाय 7 फीट का है। D2 जो दरवाज़ा है वो 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है। विंडो ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अनुसार शो कर दिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और ये प्लान आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।